राजस्थान की सत्ता में बीजेपी वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, लेकिन जेजेपी ने जाट बाहुल्य क्षेत्रों में कैंडिडेट उतार कर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है। जेजेपी ने पहले राजस्थान चुनाव में 6 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम समय में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि हरियाणा में एक साथ मिलकर दोनों सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवारी को लेकर अभी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मिशन दुष्यंत 2024 भी लॉन्च किया है, और राजस्थान में जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं उससे दोनों के बीच की दूरियां बढ़ना तय है। चौटाला परिवार का सियासी आधार हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के जाट बेल्ट में रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और जेजेपी के प्रमुख अजय सिंह चौटाला दो बार राजस्थान से विधायक रहे हैं। एक बार 2090 में दाता रामगढ़ और 1993 में नोहर से विधायक रहे हैं। इसके अलावा जेजेपी के संरक्षण और दुष्यंत चौटाला के परदादा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने 1989 में सीकर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जेजेपी राजस्थान के साथ ही अपने पुराने रिश्तों की दुहाई देकर हरियाणा की तरह ही किंग मेकर बनने की जुगत में है। इसी मद्देनजर जेजेपी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और डॉक्टर मोहन सिंह नवई जैसे नेताओं को टिकट दिया है। प्रतिभा सिंह जो नवलगढ़ विधानसभा सीट से 2003-2008 तक निर्दलीय विधायक रह चुकी हैं, वे दो बार नवलगढ़ से ब्लॉक समिति प्रधान रही हैं। मोहन सिंह नदवई भरतपुर विधानसभा से उतरे हैं। दादा रामगढ़ से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी रीटा सिंह को जेजेपी उतार रही है। जेजेपी ने इस तरह से मजबूत प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। जेजेपी की नज़र हरियाणा की तरह ही राजस्थान में भी जाट समुदाय के वोटों को साधने की है, क्योंकि चौटाला परिवार भी जाट समुदाय से आता है। हरियाणा में जेजेपी जाट समुदाय के वोटों को साध कर किंग मेकर बनी थी, और उसी तर्ज पर राजस्थान में भी जेजेपी ने चुनाव जीतने का प्लान बनाया है। राजस्थान में करीब 12% जाट समुदाय के वोट है। राज्य की करीब 50-55 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय हार जीत तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 10-15% विधायक जाट समुदाय के होते हैं, लेकिन आज आजादी के बाद से आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। इसे लेकर जाटों में एक नाराजगी रहती है, जिससे दुष्यंत चौटाला भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, ऐसे में जेजेपी प्रत्याशी के उतरने से मुकाबला कई सीट पर त्रिकोणीय बन गया है। जेजेपी अगर कुछ सीट पर 2,000-5,000 वोट पाने में कामयाब रहती है तो बीजेपी का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ सकता है। पिछली बार 5 विधानसभा सीटों पर बहुत ही कम अंतर यानी 5,000 से भी कम था। ऐसे में जेजेपी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है।